बार की बात है, एक जंगल में एक छोटा चूहा रहता था। चूहा अपने बिल में रहता था। एक दिन वह अपने बिल में आराम कर रहा था। उसे फिर भूख लगी। भूख लगने पर वह बाहर आया और खाना ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक बड़े काले और भयानक जानवर पर पड़ी। चूहे ने उस जानवर को घूरा और थरथर कांपने लगा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह जानवर जंगल के बाकी सारे जानवरों को खाने आया है। उसके मन में और कोई ख्याल नहीं आया और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसे रास्ते में एक खरगोश मिला। खरगोश ने पूछा, अरे चूहे भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या देख लिया ऐसा जो तुम इतनी तेजी से भाग रहे हो? तो चूहा कहता है, अरे मत पूछो, मैंने एक बहुत बड़ा भयानक जानवर देखा और मुझे लगता है वह हमें खा जाएगा, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, चलो भागो यहाँ से। हिरन और खरगोश। तो दोस्तों, अभी हमने इस कहानी में चूहे और खरगोश का जिक्र किया, क्यों ना हम उनके बारे में कुछ जानें? अफ्रीका का पिजमी माउस दुनिया का सबसे छोटा चूहा है, जिसकी लंबाई लगभग 2 इंच है। एक चूहा दिन में कम से कम 15 से 20 बार खाना खाता है, इसीलिए वह अपना बिल खाने के स्रोत के आसपास ही बनाता है, जिसकी दूरी लगभग 8 फीट तक ही होती है। हम सब यह तो जानते हैं कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, पर कितना तेज? एक खरगोश लगभग 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि उसके पीछे के पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो उसको तेज भागने में मदद करते हैं। हिरन और खरगोश भागते चले जा रहे हैं। भागते भागते उन्हें एक हिरन मिला। हिरन भी वही प्रश्न पूछता है कि भाई, कहाँ भागे चले जा रहे हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी तेज भाग रहे हो? तुम्हारी तो सांस भी फूल रही है, मुझे बताओ क्या बात है? तो खरगोश और चूहा कहते हैं, अरे तुम्हें पता है, जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर घुस आया है, वह हम सबको खा जाएगा, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। अब हिरन भी उनके साथ भागने लगता है। अब वह तीनों, मतलब खरगोश, चूहा और हिरन, तीनों भाग रहे होते हैं। भागते भागते रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी भी वही प्रश्न पूछती है, अरे भाई, तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हो गया? इतनी तेज कहाँ दौड़ते जा रहे हो? क्या मुझे बताओगे? तो चूहा कहता है, लोमड़ी बहन, मैंने अभी एक बहुत बड़ा जानवर देखा, वो हम सबको खा जाएगा, तो हम तीनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कहीं जाकर छुप जाएं, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। अब लोमड़ी भी उनके साथ हो लेती है और वे चारों भागने लगते हैं। अब चारों। तो दोस्तों, यहाँ अभी अभी हमने लोमड़ी का जिक्र किया। मैं आपको लोमड़ी के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। आप जानते हैं कि लोमड़ी की सुनने की शक्ति इतनी अच्छी है कि वह 120 फीट की दूरी से घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन सकती है। अब चारों, मतलब चूहा, खरगोश, हिरन और लोमड़ी, भागते चले जा रहे हैं। भागते भागते लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना हम जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी की मदद लें। हाथी को देखकर वह भयानक जानवर भाग जाएगा। लोमड़ी अपनी तरकीब के बारे में चूहे, खरगोश और हिरन को बताती है, तो वह तीनों भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और चारों मिलकर हाथी के पास जाते हैं।
हाथी को जाकर अपनी सारी बात बताते हैं। तो हाथी कहता है, अच्छा तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने वह भयानक जानवर देखा था। तो सारे के सारे चूहे के पीछे पीछे चलने लगते हैं। उस जगह पर पहुंचकर चूहा भयानक और बड़ा जानवर दिखाता है। हाथी को कहता है, यह देखो कितना बड़ा और भयानक जानवर है। तो हाथी हंसने लगता है कि ये जानवर नहीं, इस पीपल के पेड़ की छाया है। यह देखकर अब सारे के सारे जानवर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इस मूर्ख चूहे की वजह से हमको कितनी परेशानी हुई। हाथी उस चूहे को खूब डांटता है कि देखो तुमने बिना सोचे समझे कितनी दहशत फैला दी जंगल में, सारे के सारे जानवर कितने डर गए थे। हाथी बाकी जानवरों को भी बहुत गुस्सा करता है, कहता है, क्या तुम्हारी भी अकल काम नहीं कर रही थी? बिना सोचे समझे तुमने इस चूहे की बात पर भरोसा कर लिया और लगे भागने। हमें बिना सच्चाई जाने कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी इस कहानी में हमने हाथी और पीपल के पेड़ का जिक्र किया है। तो दोस्तों, आपको हाथी और पीपल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अफ्रीका का हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला जानवर है। हाथी अपने पैरों के इस्तेमाल से सुनते हैं। वे अपने पैरों और सूंड को जमीन पर जमा कर रखते हैं ताकि वे जमीन में होने वाले कंपन से सुन सकें। पीपल का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। दुनिया का सबसे विशाल पीपल का पेड़ आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से यह सीखा कि कभी भी कही सुनी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए और फिर ही भरोसा करना चाहिए।